एलविश यादव का फूटा अरमान मलिक पे गुस्सा। जी हाँ, जानते हैं क्या बोला है एलविश यादव ने अरमान मलिक को। मैं आपको प्रॉपर अपडेट देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, सो वीडियो में एंड तक बने रहना। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी बिग बॉस के अंदर चल क्या रहा है, अभी अरमान मलिक और कटारा के अंदर फाइट थोड़ी बहुत चल रही है, रोटी को लेकर अभी चली थी और भी बहुत सारी फाइटें चली थी, और वहीं एक तरफ आपको देखने को मिला कि इसी को देखते हुए एलविश यादव ने रिएक्ट किया है इस चीज़ को। जी हाँ, और एलविश यादव ने अरमान मलिक को बोल दिया है दोगला। जी हाँ, और बोला है कि इसका साथ कटारिया छोड़ दे। वेल, मैं कहना चाहता हूँ कटारिया को कि कटारिया इसका साथ छोड़ दे, अगर इसके साथ रहता भी है तो इससे दूरी बनाकर रखे। सभी का असली चेहरा पहचान लें कटारिया, मैं यही चाहता हूँ। जी हाँ, जो असली है उसको पहचान लें और जो नकली है उसको भी पहचान लें कटारिया, मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगा। और बात रही अरमान मलिक की, अरमान मलिक की हकीकत सभी जने जानते हैं, आखिर उसने क्या क्या किया है सभी जने जानते हैं। जी हाँ, और एक नंबर का दोगला है अरमान मलिक, ये कहते हैं एलविश यादव। वेल, अब देखना ये होगा कि आखिर क्या होता है आगे, और अरमान मलिक की टीम क्या कहने वाली है एलविश यादव को। आई एम श्योर कि अरमान मलिक की टीम कुछ भी नहीं करने वाली है एलविश यादव को। देखते हैं आगे क्या होता है। इस अपडेट को लेकर आपको क्या है कहना, कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।